यूपी पंचायत चुनाव 2020 कम हो सकते हैं 550 से ज्यादा ग्राम प्रधान के पद, जानिए क्या वजह। एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस बार गांव की सरकार सिमट जाएगी। वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव के बाद राज्य में कोई नई ग्राम पंचायत तो गठित नहीं हुई, बल्कि सैकड़ों पंचायतें पूर्णतः या आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल कर ली गईं। ऐसे में इस बार ग्राम प्रधान के पद कम हो जाएंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, सरकारी योजनाओं की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में आप बताइए किस राज्य, किस गांव, किस कस्बे, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना अपडेट करते रहें। आपको बता दें पंचायती राज विभाग नगर निगम या नगर पंचायत में पूर्णता या आंशिक रूप से शामिल की गई ग्राम पंचायतों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग से अभी तक मिली सूचना के अनुसार प्रदेश की 587 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से और 680 पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल की जा चुकी हैं। जो 680 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई हैं, अगर उनकी आबादी 1000 से कम हो गई तो अब ऐसी पंचायतों को बाकी बचे वार्ड किसी अन्य पंचायत में शामिल किए जा सकते हैं। अब तक स्थिति के अनुसार ग्राम प्रधानों के 587 पद खत्म हो गए। इसी क्रम में करीब 2 से 3 हज़ार ग्राम पंचायतों के सदस्य के पद भी खत्म होने की बात है। आपको बता दें वेद प्रकाश वर्मा अपर निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपी कहते हैं कि जो पंचायतें पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में चली गईं, वह ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के पद खत्म हो गए। जो पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल की गई हैं, उनके बारे में सरकार को निर्णय लेना होगा। 1000 की आबादी से कम होने पर उस पंचायत का अस्तित्व कम कायम रहेगा, फिर भी उसके बाकी बचे वार्ड का किसी अन्य पंचायत में शामिल किया जा सकेंगे। 2015 में हुए पंचायत चुनाव में 59,162 ग्राम प्रधान चुने गए। आपको बता दें 7,42,269 ग्राम पंचायत सदस्य, 821 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, 75,575 क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष 75 और जिला पंचायत सदस्य 3,112। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।